सुक्खू सरकार को बने हुए अभी 2 महीने का ही समय बीता है कि विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। संस्थान बंद करने से लेकर कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे। उनमें से एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया है। अब इस सुख की सरकार में कई दुख हैं। जी हाँ, कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी हैं और अब तो क्रशर यूनियन भी बन चुकी है, जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं। इसका खुलासा हम जल्द करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ लगातार सरकार के लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके भी रेट कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन तय हो चुके हैं। कांग्रेस इस मामले में टारगेट ओरिएंटेड सरकार है। 3 महीने होने को आए हैं और सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई। 25 जनवरी पर भी लोग और कर्मचारी घोषणाओं का इंतजार करते रहे, पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे जनता से किए थे। कैबिनेट में कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया। कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली। कैबिनेट में केवल एक मामला पास हुआ कि सरकार 2000 करोड़ का निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया केवल ऋण का ही रोना रो रहे हैं। इस पर सरकार के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक इस सरकार ने 4500 करोड़ का लोन ले लिया है। दिसंबर में 1000 करोड़, जनवरी में 1500 करोड़ और अब फरवरी में 2000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार केवल भाजपा के हुए कामों की वाही वाही लूटने में लगी है। जितने भी प्रोजेक्ट की बात कांग्रेस सरकार कर रही है, वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से ही स्थगित किए गए थे। हाल ही में FCA और FRA का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और हम इसमें स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे से लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी से तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं मिले, FCA और FRA को हटाने की मांग उनके समक्ष रखी। आज जब फैसला सामने आया तो केवल समय का अभाव है कि कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी, पर परिश्रम तो भाजपा की सरकार ने ही किया था। उन्होंने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट सप्तऋषि बजट है। उनमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर है। सरकार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा, विकास एवं निवेश क्षमता को उजागर कर प्रोत्साहन, देश के हरित विकास पर पूरा ध्यान, युवा शक्ति के जोश का इस्तेमाल, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा पर ध्यान देने पर उत्तम काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सीमेंट उद्योग 2 महीने से बंद पड़े हैं और हिमाचल सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इसमें भी सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। सरकार को इस मामले को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस सरकार ने बदला बदली की भावना से कार्य किए हैं और हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर विरोध कर रही है। आने वाले समय में इस विरोध को और उग्र किया जाएगा। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आए, उसी से मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण पहल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से रेलवे का जो बजट आया, ऐतिहासिक बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। हम जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी को लेकर 50 नए एयरपोर्ट्स को प्रारंभ करने की बात इसमें रखी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर मैं समझता हूं हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसा एक बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इस बजट में जहां रेलवे में 1902 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हमारे चाहे वो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन है, भानुपल्ली बिलासपुर है, चंडीगढ़ बद्दी जिसका काम चला हुआ है, या फिर शिमला जो हमारी हेरिटेज रेलवे लाइन है और हेरिटेज ट्रेन है। मैं समझता हूँ रेलवे की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को भी पहली बार इतना बजट इस बार के बजट में मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी जहाँ रेलवे में अच्छा हमको बजट मिला है, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को विशेष तवज्जो इसमें मिली है। और हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स उसमें चाहे रोड से संबंधित हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ आने वाले समय में होगा। बाद
दूसरा जो आपसे बात करने का विषय है, हम जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और लगभग 2.5 महीने के करीब कार्यकाल इनका पूर्ण होने को है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी और जनता ने जो इस सरकार से एक जो उन्होंने इच्छा रखी थी कि ये सरकार आते ही बहुत कुछ करेगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में ये सरकार नाकाम रही है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया, और जो गारंटियां इन्होंने दी थी 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। सुबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने वादा युवाओं से किया था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख की जगह अभी ये 20,000 में आ गए, अपनी बात से पलट गए। लेकिन लगभग 4200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि सिलेक्शन का इंतजार था, जिनके लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया था और लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर उनकी नियुक्तियां होने वाली थी, ऐसे समय में इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है, 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी ये इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं समझता हूं युवाओं के साथ एक, जिसको मैं कह सकता हूं, जो इन्होंने वादा किया था